हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट करण वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी बाइकर। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं हरियाणा में, हरियाणा के फारूक नगर में, और यहां आज हम आपको दिखाने वाले हैं शीश महल। तो चलिए चलते हैं, शीश महल दिखाते हैं आपको। और जैसे कि आप ये मेरे साइड में देख रहे हैं शीश महल, तो मैं अभी आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ और इसकी डिटेल में, ये कब बना था और किसने बनवाया, क्या हुआ यहाँ का और क्या क्या चीज़ है, शीश महल इसका नाम क्यों पड़ा। तो चलिए अभी आपको बताता हूँ मैं सारा। दोस्तों, हरियाणा के गुड़गांव ज़िले में स्थित फारूक नगर, वैसे तो महज एक छोटा सा कस्बा है भाइयों, और फारूक नगर की स्थापना का श्रेय मुग़ल शासक फौजदार खान को जाता है। दोस्तों, शहर के बीचों बीच बने इस शीश महल का निर्माण सन 1711 में हुआ था। यह महल लाल बलुआ पत्थर, लाहौरी ईंटों और झज्जर स्टोन से बना हुआ है। फ्रेंड्स, ये किला दो मंजिला इमारत में बना हुआ है सारा का सारा, जिसमें के कई कमरे हैं जो कि अब खंडहर बन चुके हैं। और दोस्तों, फारूक सियार ने अपनी रानी के लिए ये बनवाया था। इसके नीचे खुफिया सुरंग भी है भाई, वो भी अभी चलेंगे देखने के लिए। और ये जो आप सामने देख रहे हो, या ये पानी का वो है स्रोत, और जो बावली है यहाँ की, बावली से पानी आता था। फ्रेंड्स, ये जो महल है ये 1857 तक आबाद था, और ये मुझे लगता है यहाँ का दरबार होगा उस टाइम पे, जहाँ पर लोग बैठते थे, यहाँ मंत्री वगैरह बैठते होंगे और बीच में सिंहासन लगता होगा। ये है दोस्तों इसकी बैक साइड। फ्रेंड्स, ये है इसकी बैक साइड, देखो आप कितनी जो इमारत जो है कितनी बेकार हो चुकी है। और ये जो पहले के ज़माने में, ये देखो आप, छोटी छोटी टाइल टाइप की ईंटें चलती थी, और ये सारा आज की डेट में इसको बदरपुर कहते हैं, तो वो है ये इसमें बना हुआ। फ्रेंड्स, भरतपुर के महाराजा ने यहाँ पर 1757 में शायद हमला किया था, और जिसके बाद ये 7 साल तक उनके कब्जे में रहा। और यहाँ की नक्काशी देखिए, और आप ये जो दोस्तों जो मेन चीज़ है इसका, ये वुडन वर्क जो देख रहे हो आप, इसके अंदर शीशे लगे हुए थे, जिसकी वजह से इसका नाम शीश महल पड़ा। मैं कोशिश करता हूँ आपको पास से दिखाने की इसको, ये देखिए। मुझे लगता है ये उस टाइम पे जेल रही होगी, एक तरीके की छोटी सी जेल टाइप का है ये, तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये देखिए। और ये जेल टाइप का रूम बनाया हुआ है पूरा कारागर, और यहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह के लिए इतनी बड़ी तगड़ी विंडो लगाई हुई है, इतनी लोहे की मोटी सॉलिड, और यहाँ से तो उखाड़ के ले गए हैं लोग, देखो यहाँ से निकाल दिए, लेकिन उस हिसाब, उस जमाने के हिसाब से बहुत तगड़ी कारागर बन। हम ब्रजेश भाई और मैं दोनों जा रहे हैं साथ में, तो चलो चलते हैं भाई नीचे। तो ये है ब्रजेश भाई, वो जो अभी हम कह रहे थे ना अंदर आने के लिए। दोस्तों, ये वो सुरंग है यहाँ से पाड़ी, जो जहां पर रानी नहाती थी जाकर, वो अंदर ही अंदर से जाती थी यहाँ से, और ये यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास है वो भी, तो अभी वहां पर भी चलेंगे। तो इससे ज्यादा तो दिखा नहीं सकते हम, क्योंकि सुरंग बंद है, तो चलिए ऊपर चलते हैं वापस।
ये हम वापस आ गए बाहर, वहां से घुसे थे और इधर से निकल आए। तो चलिए दोस्तों अब आपको इसका नेक्स्ट पार्ट दिखाते हैं दूसरी साइड से। जैसे भाई एक बात है, पहले हवा का कितना वो रखा जाता था, नहीं कितने दरवाजे बने हुए हैं, कितनी खिड़कियां, मतलब बिजली पानी का तो कोई चक्कर ही नहीं था। दोस्तों ये देखो इस साइड से इसकी खस्ता हालत, जो कि तहस नहस हो गई है पूरी की पूरी, लेकिन यादगार है एक पुराने जमाने की, आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये सब हमने तो देख लिया। तो चलिए अब इधर की तरफ चल के देखते हैं। ये कुछ मेन गेट है इसका, यहाँ पर किसी टाइम ने जो है नक्काशी हुआ करती होगी जैसे ये डिजाइन बनाए हुए हैं। ये देखिए कितना प्यारा, कितना टाइम लगा होगा इनको बनाने में और कितने मजबूत है। और ये गेट देख रहे हैं आप कैसे केले लगे हुए हैं इनके ऊपर, और चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स ये है वो बावली जो जहाँ पर हम लोग आए हैं देखने के लिए अभी वहाँ से, तो चलिए देखते हैं अंदर से कैसी है। ये इसका छोटा सा गेट है जहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा। रास्ता नीचे से, वाह क्या बात है। तो जो बात है यही बात है, देख लो तो दोस्तों वहां शीश महल से यहां पर रानी नहाने के लिए आती थी। ताला बंद है क्या? अरे खुला है चाचा, यू काट दे इसमें से। अच्छा जी, हाँ 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 हाँ, अच्छा तो ये है दो। वाह तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पर इसमें सारे में पहले पानी भरा होता होगा। एक बार थोड़ा नीचे से भी देखते हैं चल के। ये वो सुरंग है जो वहां से आ रही है यहां तक। तो दोस्तों अभी ये सारा मिट्टी से भर दिया गया है, और कितने सॉलिड तरीके से ये सारा कुछ बनाया हुआ है ये आप देख ही रहे हो। मतलब पहले के लोगों की क्या शाही ठाट थे, वहां से इतनी दूर यहाँ रानी नहाने आती थी, वो भी अंदर ही अंदर सुरंग से। ये देखो हमारे जवान ऊपर ही खड़े हैं, जवानी में नीचे उतरने में डर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये थी बावड़ी यहाँ की जहाँ पर रानी नहाने आया करती थी। तो यहाँ का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं दोस्तों, और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो
कमेंट्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका दोस्त करण वर्मा, थैंक यू वेरी मच।